नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ वेद प्रकाश। आप इंटरनेट पर हर रोज कई सारे वेबसाइट विजिट करते होंगे। अपने मोबाइल में भी आपने कई सारे ऑनलाइन ऐप्स को इंस्टॉल किया होगा। इनमें से ज़्यादातर ऐप्स और वेबसाइट में आपके अकाउंट बने होते हैं और आपके डिटेल्स इनके डेटाबेस में स्टोर रहते हैं। डेटाबेस एक ऐसा फाइल है जहाँ कई सारे डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। डाटा को टेबल्स पर रखा जाता है और एक डाटाबेस में कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या टूल्स होता है जिसके जरिए डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। MySQL, SQL सर्वर, Oracle आदि DBMS सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। रुकिए, हम तो यहाँ SQL को जानने आए थे ना, पर ये डेटाबेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा। SQL जो है वो डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम SQL से पहले डेटाबेस को पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं SQL क्या है उसके बारे में। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस में मैनेजमेंट में किया जाता है। इस क्वेरी लैंग्वेज के जरिए ही डेटाबेस पर क्रिएट, इंसर्ट, सर्च, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जिस प्रकार से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, वैसे ही इसका भी सिंटैक्स और रूल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरेकल सॉफ्टवेयर के जरिए SQL का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल